हेलो यूनिवर्स, स्वागत है आपका यूनिक यूनिवर्स के नए वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं गेमिंग माउस का, जो अंडर 500 रुपीज है। तो चलिए यूनिक रिव्यू करते हैं। दोस्तों, हमने बहुत दो तीन दिनों से रिसर्च करके एक अच्छा माउस ढूंढ निकाला है और हमने अमेजोन से वो ऑर्डर किया था और हमारी डिलीवरी अभी आ चुकी है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। यह हमारा यूनिक चाकू है। तो पहले बॉक्स में पहला है तो बिल, जो कुछ काम का नहीं है, और हमारा जो और कुछ नहीं है, ये टेक बिल है। इसमें है एंड ई स्पोर्ट्स का GM90 माउस। दोस्तों, एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला ये एक GM90 ऑप्टिकल गेमिंग माउस है। GM स्टैंड्स फॉर गेमिंग माउस, नॉट अदर देन दैट। सो देखते हैं बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा है। बॉक्स के ऊपर देखो, इसके फीचर्स लिखे हैं, जिसमें है 6 बटन्स, एलिगेंट लुक और ड्यूरेबल स्विचेस। उसके साथ ये 3600 DPI तक जा सकता है और 1200, 800, 2400 एंड 3600 ये स्विचेबल है। उसके बाद इसके अंदर मल्टी कलर LED लाइट्स है और इसकी केबल है जो वो ब्रेडेड 1.5 मीटर की लॉन्ग केबल है। और पीछे इसका MRP तो 1200 लिखा गया है, लेकिन ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। शायद इसकी LED चालू ही है, इतना छोटा सा ये क्या है। ओए डिक्की, ओए चूना लगा दिया। तो दोस्तों, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया है। इसे रखते हैं थोड़ी देर बाजू में और लेते हैं हमारा गेमिंग माउस, जो कि बहुत शानदार दिख रहा है। यह हमारा एंड स्पोर्ट्स का GM90, देखने में बहुत 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 अच्छा है। इसका इन हैंड फील भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इसके फीचर्स देखते हैं। Please Lord, give me a sign, a sign. Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. बढ़ते हैं अभी इसके फीचर की तरफ। ये माउस का पहला फीचर है कि इसमें 6 बटन्स है, लेफ्ट राइट स्क्रॉल बार, एक DPI सेटिंग के लिए इधर बटन दिया गया है, और लेफ्ट में 2 बटन है, एक फॉरवर्ड के लिए, एक रिवर्स बैकवर्ड के लिए। तो इसका नेक्स्ट फीचर है, इसमें RGB लाइट है। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि लाइट्स बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं, इसके विजिबल बहुत अच्छे से है, एक गेमिंग माउस का लुक देते हैं, एज ये गेमिंग माउस है। तो और इसका जो केबल है वो ब्रेडेड केबल है, जो बहुत मजबूत है, बहुत दिन तक टिकने वाला है, जल्दी खराब नहीं होएगा। 1.5 मीटर लॉन्ग का केबल है। और नेक्स्ट फीचर है इसका, ये इसका DPI अप टू 3600 तक है, जो इसका बहुत अच्छा फीचर है। एक 330 रुपीज माउस के लिए इतना फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो चलो इस गेमिंग माउस का गेमिंग रिव्यू करते हैं। शूटिंग गेम हमने ढूंढा है ऑनलाइन, तो ये देखो इधर बंदा मिल गया। अभी इसको देते एक पट सेड शॉट। गाइस देखा है, खतरनाक शॉट था। अभी और खेलते किधर है बंदे, ये इधर एक छुपा, इसको भी ख़त्म कर दिया गाइस, और इसको भी एक दे दिया। अरे यार मिस हो गया, शी वापस ट्राई करते हैं। ये रिलोड हो रहा है और इसको भी, ये भी ख़त्म हो गया। और किधर है बंदे, और किधर छुपे, जल्दी जल्दी प्ले। इसके बाद और किधर है छुपे, ये देखो गाइस इधर मिल गया, इसको भी। अरे यार मिस हो गया, ये ख़त्म हो गया। बहुत बंदे इधर, इनको भी निपटाते हैं जल्दी। और ये देखो गाइस खतरनाक शॉट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बढ़ते हैं, उसमें प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। प्रोज एंड कॉन्स में पहले तो ये बहुत अफोर्डेबल माउस है, ओनली 330 रुपीज में अवेलेबल है अमेजोन पे। और दूसरा उसका प्रोज है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये बिल्कुल भी चीप क्वालिटी माउस फील नहीं होता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी ग्रिप, इसके बटन्स, इसके स्क्रोल बार,
इसके लेफ्ट बटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत दिन तक चलने वाला है और इसके प्रोज है इसकी गेमिंग लाइट मतलब आरजीबी लाइट और इसका ई स्पोर्ट्स का लोगो जो बहुत अच्छा लुक देता है, प्रीमियम फील कराता है ये माउस। बढ़ते हैं इसके कॉन्स की तरफ। अमेजोन पे उन्होंने मेंशन किया है कि एक प्रोग्रामेबल माउस है, लेकिन मैंने ऑनलाइन सर्च किया एंड के वेबसाइट पे कोई भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है और कोई स्टेप्स नहीं है जिससे हम इसके जो बटन से वो कस्टमाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों, गेमिंग रिव्यू के बाद अपन एडिटिंग रिव्यू करते हैं। एक शैंची का वीडियो लिया है और इसको थोड़ा एडिट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है, थोड़ा ट्रांजिशन ऐड करके देखते हैं माउस कैसा साथ देता है। यहाँ पे हमने पहला हमारा ट्रांजिशन ऐड कर दिया, अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है वीडियो प्ले करते, बहुत शानदार दिख रहा है। अभी दूसरा और थोड़े ट्रांजिशन डाल के देखते हैं, वही दूसरा ट्रांजिशन हमने ऐड करा और एक ट्रांजिशन हाँ ये वाला यहाँ पे ऐड करते, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी देखते हैं माउस, तो माउस का क्लिकनेस बहुत अच्छा है, सब बटन अच्छे से क्लिक हो रहे हैं, सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं दे रहे। ये देखिए शानदार तरीके से वीडियो एडिट हो गया मैंने किया है। चलो फिर और कुछ नहीं, देखो सब अच्छे से क्लिक हो रहा है गाइस। एडिटिंग में भी आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं, आपको किधर भी इशू फेस नहीं करने के लिए मिलेगा, एक अच्छा माउस है। तो दोस्तों 330 रुपीज़ में आने वाला एक बेहतरीन गेमिंग माउस है। गेमिंग माउस ही और एडिटिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं, दूसरे टास्क भी अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अभी तक कोई इशू फेस नहीं किया है, बहुत अच्छे से स्मूथली ये वर्क करता है, इसके बटन्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अगर आपको ये माउस और कोई भी माउस खरीदना हो तो आप इसे जरूर एक बार कंसीडर कर सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। तो अगर आपको परचेस करना रहेगा तो नीचे दिए गए लिंक से आप परचेस कीजिए, उस पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें टू यूनिक यूनिवर्स।